वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने दो दिन पहले हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपसे कहा था कि हम बहुत ही जल्द एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, तो लीजिए दोस्तों, हम हाजिर हमारे उस नई सीरीज के साथ जिसका नाम हमने रखा है बेस्ट फॉर मी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से भी आपको काफी कुछ आइडिया आ गया होगा, पर फिर भी हम आपको, क्योंकि ये एपिसोड पहला है तो हमें आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो बेसिकली इस सीरीज में हम साउथ के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस डायरेक्टर राइटर, इन सभी की मेरी पर्सनली मेरी जो फेवरेट फिल्में हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे, क्योंकि काफी बार लोग पूछते हैं कि आपकी अल्लू अर्जुन की फेवरेट फिल्म कौन सी है, महेश बाबू की फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो उसी के बारे में हम ये बात करेंगे और देखेंगे, क्योंकि शायद इनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी हो सकती है जो आपकी भी फेवरेट हो, और पूरी तरह से एक डिस्कशन रहेगा यहाँ पर। मैं वीडियो में बात करूंगा और कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार या फिर अपने ओपिनियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट अल्लू अर्जुन फिल्म के बारे में, तो आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि हम मेरी फेवरेट महेश बाबू, एनटीआर, एआर मुर्गदास, एसएस राजामौली सर, शंकर जी, ऐसे सभी कलाकारों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो होने वाला है वो पूरी तरह से स्पॉइलर से भरा होने वाला है, मतलब पूरी कहानी की डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक टेक्निकल चीजों के बारे में बात करेंगे, फिल्म के हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, क्यों ये फिल्म मुझे इतनी पसंद है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं से छोड़ दीजिएगा, मैं फिल्म का नाम बता दूं, उसके बाद जाकर आप उस फिल्म को देखिए, फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी, और बाद में आइए इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट अल्लू अर्जुन फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब मैंने फिल्में देखना या फिर कहें कि साउथ की हिंदी डब फिल्में देखना स्टार्ट किया था, तो मेरी पर्सनली जो फेवरेट फिल्म थी अल्लू अर्जुन की वो थी आर्या 2। पर उसके बाद मैंने देखी 2010 की फिल्म वेदम। जी हाँ दोस्तों, गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने वेदम को अंतिम फैसला नाम से डब करवाया था, और जब मैंने उस फिल्म को देखा था मैं उस फिल्म का दीवाना हो गया। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज जाइए इस फिल्म को एक बार देखिए, उसके बाद आइए इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जिन लोगों ने ये फिल्म देख ली है तो उन्हें तो पता ही होगा कि आखिरकार ये फिल्म इतनी खास क्यों है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का सबसे बड़ा जो हाईलाइट था वो था इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन, जहां पर किसी ने भी इस फिल्म का क्लाइमैक्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, जहां पर फिल्म के क्लाइमैक्स में अल्लू अर्जुन और मंजू मनोज आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। पर रुकिए, क्या सिर्फ इस फिल्म का क्लाइमैक्स ही इस फिल्म के इतने खास होने की वजह है? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है इतना इंपैक्टफुल, इतना दमदार, सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की कमाल की राइटिंग के वजह से बन पाता है, जहां पर इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और मंजू मनोज के जो कैरेक्टर्स हैं इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी मजबूती के साथ लिखे गए थे कि आप में से कोई भी उन दोनों कैरेक्टर्स से फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर की, यानी कि केबल राजू की। तो जुबली हिल्स की बस्तियों में रहने वाला एक ऐसा शख्स जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है कि क्यों मैं इस जगह में पैदा हुआ, और सिर्फ पैसों के लिए एक अमीर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। और उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो फिल्म की शुरुआत से ही उसे एक झूठे, एक ठग के रूप में पेश किया जाता है, और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है उससे फिल्म में ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं कि उसको एक बहुत ही लालची खुदगर्ज इंसान के तौर पर पर्दे पे पेश करने में डायरेक्टर पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे मंजू मनोज के कैरेक्टर की, तो ये भी जो कैरेक्टर है लगभग कुछ उसी प्रकार का है, थोड़ा सा मूडी, सेल्फिश तो नहीं पर दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, अपने सपनों के लिए वो पूरी तरह से पागल है और उसके आगे उसे और कुछ नजर नहीं आता है। रोड पर जाती हुई गाड़ी से जब वो बाहर गिटार बजा रहा होता है और एक ट्रक ड्राइवर उसे टोकता है तो उसे नीचा दिखाने के लिए वो उसे ओवरटेक करता है, और उसी चक्कर में वो काफी लोगों को घायल भी कर जाता है, और फिर वही ट्रक ड्राइवर जब उसे मुसीबत से बचाता है तो वो उसे एक थैंक यू भी नहीं बोलता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स लिखे गए थे इसी तरीके से लिखे गए थे कि ये दोनों कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, और जितनी मजबूती के साथ इन सभी कैरेक्टर्स को लिखा गया था उतनी ही कमाल तरीके से इन सभी कैरेक्टर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है,
और बदलाव भी ऐसा कि किसी ने सोचा भी ना हो। ये तो होगी बात फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की। अब आइए बात करते हैं फिल्म के प्लॉट और स्टोरी लाइन की। तो आखिरकार ये फिल्म हमें कहना क्या चाहती है। फिल्म का टाइटल था वेदम, हिंदी डब वर्जन में नाम रखा गया था अंतिम फैसला, और अगर विकिपीडिया में आप देखोगे तो वहां पर ट्रांसलेशन में लिखा गया है चैंट यानी कि मंत्र। कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों के ही मतलब फिल्म के असली टाइटल के मीनिंग से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। यहां पर फिल्म के मतलब यानी कि वेदम का मतलब है नॉलेज यानी कि ज्ञान, ज्ञान इंसानियत की, ज्ञान जिम्मेदारी की, ज्ञान प्यार और इज्जत की। यहां पर अगर आप एक और बार ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस फिल्म का एक एक जो कैरेक्टर है हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर की यानी कि केवल राजू की। जिंदगी भर पैसों के पीछे भागने वाले को फिल्म के आखिरी 20 मिनट में पता चलता है कि जिंदगी में प्यार और इज्जत की क्या अहमियत है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं पटेल सेठ की यानी कि वो शख्स जो गरीब लोगों को उधार देता है, बहुत ही ज्यादा ब्याज पर उनसे पैसे वसूलता है। उस शख्स को फिल्म के क्लाइमेक्स में एक छोटा सा बच्चा नॉलेज की अहमियत समझाता है। नंबर 3 पे आता है ये पुलिस वाला जिसको फिल्म के क्लाइमेक्स में समझ आता है कि वो मुसलमान को लेकर जो सोचता है वो कितना गलत है। नंबर 4 पर आता है मंचू मनोज का कैरेक्टर जिसे जिंदगी के सही मायने पता चलते हैं, जो अपनी माँ से ये कहता था कि आर्मी की जॉब की वजह से मैंने अपने पिता को खोया, ऐसा शख्स देश के लिए अपनी जान देता है। नंबर 5 पर आता है सरोजा का कैरेक्टर यानी कि अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर जिसको जिंदगी में दूसरा मौका मिलने के बावजूद भी वो फिर से प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस पर जा रही होती है। उसे भी समझ आ जाता है कि जिंदगी में इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो ओवरऑल ये जो फिल्म थी एक कमाल के मैसेज और एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले के साथ लिखी गई थी, जहां पर इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि क्रिश ने फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को इतनी बेहतरीन तरीके से और इतनी मजबूती के साथ पर्दे पर पेश किया था कि आप पूरी तरीके से फिल्म के हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हो। इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग थी वो भी मुझे काफी पसंद आई, जो एंथोलॉजिकल फिल्में होती हैं यहाँ पर एडिटिंग का बहुत ही अहम रोल रहता है। और कहना चाहूंगा 2010 के वक्त की जो ये एडिटिंग है वो कमाल की थी। और तो और कुछ जगहों पर 5 मिनट के अंदर अंदर ही सभी की सभी कहानियों को, सारी की सारी कहानियों को जिस तरीके से दिखाया गया है काफी जगहों पर, वो भी बहुत ही बढ़िया है, काफी इंप्रेसिव था। इस फिल्म के एक और जो खासियत जो मुझे लगी वो थे इस फिल्म के डायलॉग्स। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम मीनिंगफुल तरीके से लिखे गए थे। और कहना चाहूंगा फिल्म के जो डायलॉग्स थे, हर एक कैरेक्टर के लिए जो डायलॉग्स लिखे गए थे, वो सिर्फ उस कैरेक्टर के एटीट्यूड को ही नहीं पूरे के पूरे कैरेक्टर को दर्शाती है, और आप उस पूरे कैरेक्टर के फीलिंग को महसूस कर सकते हो सिर्फ उनके डायलॉग्स के द्वारा। तो दोस्तों यहां तक तो बात होगी फिल्म की कुछ टेक्निकल चीजों की। अब आइए बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनके वजह से ये जो फिल्म है मेरे दिल के इतने करीब है। तो दोस्तों जो लोग हमें करीब 1 या 2 साल से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि मुझे फिल्मों में इमोशंस कितने ज्यादा पसंद हैं, और ये जो फिल्म थी इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स थे जिन्होंने मेरी आंखों में आंसू ला दिए थे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के कुछ हाइलाइटेड और इस फिल्म के कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट सीन्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीन है वो आता है जहां पर अल्लू अर्जुन और अनुष्का शेट्टी पहली बार पुलिस स्टेशन में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर इस सीन में अगर आपको याद होगा अनुष्का शेट्टी अल्लू अर्जुन से सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पूछती है, क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? और उस वक्त अल्लू अर्जुन का जो एक्सप्रेशन रहता है, मतलब उनके पास कहने को कोई जवाब नहीं रहता है उनके एक्सप्रेशंस, और कहना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ वो एक वर्ड था जिसने अल्लू अर्जुन के पूरे कैरेक्टर में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आया। उस एक छोटे से वर्ड में इतनी ताकत थी, और ये मेरा सबसे फेवरेट सीन था इस फिल्म का। इसके बाद इस फिल्म का जो मेरा दूसरा सबसे फेवरेट सीन था वो था जब अल्लू अर्जुन पैसे चुराने के बाद फिर से पैसों को वापस रख देते हैं, और वो बूढ़ा शख्स जब अपने पैसों को उठाकर भगवान को दुआएं दे रहा होता है और अल्लू अर्जुन दीवार के पीछे छुपकर रो रहे होते हैं। वहां पर दीवार के पीछे अल्लू अर्जुन रो रहे थे और स्क्रीन के सामने मैं रो रहा था। मतलब वो सीन उस जगह पे अल्लू अर्जुन की जो एक्टिंग थी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो कमाल की थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर इस फिल्म का जो मेरा फेवरेट सीन है वो आता है फिल्म के क्लाइमैक्स पे, क्लाइमैक्स से थोड़ी देर पहले, जहां पर मनोज वाजपेयी एक आतंकवादी को अपने मजहब के सही मायने समझाता है और उसे
गलत काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे दूसरी तरफ से वही दूसरा आतंकवादी उसे फोर्स करता है कि मार, उसे मार करके बोल रहा होता है। वो जो पूरा सीन था, उस सीन में गूसबम्प्स थे, उस सीन में थ्रिल था, और वो कमाल का सीन था। इसके बाद चौथे नंबर पे जो फेवरेट सीन मेरा आता है वो है फिल्म का क्लाइमेक्स सीन, जहां पर अल्लू अर्जुन की बॉडी को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। मतलब ऐसा शख्स जिससे कोई पसंद नहीं करता था, उसके बस्ती में हर कोई उसे कोसता रहता था कि वो ठग है, वो पैसे लेके भाग जाता है, ऐसे शख्स के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, उसके लिए रो रहे होते हैं, वो जो सीन है इतनी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है, और वो जो सीन था हर कोई उसमें रो देगा। इसके बाद इस फिल्म का जो पांचवा और आखिरी बेस्ट सीन मुझे लगा वो था इस फिल्म का सबसे आखिरी सीन, जहां पर ये जो बूढ़ा शख्स है, जहां जब पटेल सेठ को एकदम दम के साथ बोलता है कि तू मुझे ठग नहीं सकता है, मेरा पोता अब तुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना होता है, वो जो एक कहूंगा कि उस एक सीन में इतना मतलब प्यारा सा मास एलिमेंट था कि सीटी मारने का मन करता है, और वो जो सीन था वो भी कमाल तरीके से बनाया गया था, क्योंकि वो जो बूढ़ा कैरेक्टर है पूरी फिल्म में कितनी दबी हुई सी आवाज में बात करता है, उसके कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया था, और जब वो ऐसे डायलॉग्स बोलता है तो मजा आ जाता है। दोस्तों ये तो हो गई बात मेरी फीलिंग्स की, क्यों मुझे ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद है। इसके अलावा ये जो फिल्म मुझे इतनी पसंद है, आज भी मैं कहना चाहूंगा कि 2010 का टाइम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा वक्त था जहां पर सिर्फ मसाला फिल्में लोग देखना पसंद करते थे, मसाला फिल्में चलती थी ज्यादा, ऐसी ऑफ बीट फिल्में ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते थे। पर उस वक्त अल्लू अर्जुन ने, जिनकी पिछली ही फिल्म वाडरुडु फ्लॉप गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, इसलिए मैं उनकी दाद देता हूं, और मुझे आज भी इंतजार है अल्लू अर्जुन की ऐसी एक फिल्म का जहां पर वो इस किस्म की एक्टिंग कर पाए, क्योंकि वो अभी भी मास फिल्में ही कर रहे हैं। उन्होंने ट्राई किया था नापेरू सूर्या के साथ पर वो फिल्म चली नहीं, उन्होंने अंतिम फैसला में भी ट्राई किया था, या फिर कहें कि वेदम में भी ट्राई किया था, जो कि इतनी कमाल की फिल्म बनी थी, पर फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त इतना काम कमाल नहीं कर पाई थी। और ऐसी फिल्म अगर आज के वक्त में रिलीज करवाई जाती है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी। दोस्तों ये थे मेरे ओपिनियन इस फिल्म को लेकर, और मैंने बताया कि क्यों ये फिल्म मेरे दिल के इतने करीब है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आपके इस फिल्म को लेकर क्या ओपिनियन है। इसके अलावा आपकी फेवरेट अल्लू अर्जुन फिल्म कौन सी है हमें आप बता सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही कुछ बातें करने के लिए आप चाहे तो हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, क्रेजी फॉर मूवी ऑफिशियल पर। दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा ये बहुत ही लंबा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।